डुमरी में चौथे चरण में होने वाला पंचायत चुनाव का सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जीत को लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में संकड़ी पंचायत की मुखिया उम्मीदवार अनीता देवी के इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से समर्थन मांगा एवं जीत के बाद विकास की बात कही। जब डुमरी से स्टार सिटी 24 के संवाददाता ने ठाकुरचक पंचायत के मुखिया उम्मीदवार से खास बात किए तो उन्होंने कहा कि मेरा ठाकुरचक पंचायत बहुत ही पीछे है, आज से नहीं, हम लोग शुरू से ही समाज के बीच और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि समाज का विकास होना चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ चुनाव में उतरे हुए हैं। अभी तक ठाकुरचक पंचायत का विकास नहीं हो पाया है, हम लोग का पंचायत बहुत गिरा हुआ अवस्था में है। अगर हम ठाकुरचक पंचायत के लिए जीतते हैं तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि समाज के बीच में मिलजुल कर रहना, पंचायत भवन को सुधारना, शिक्षा, पंचायत में विकास एवं महिलाओं को पंचायत में समूह को प्राथमिकता देना एवं पूरे पंचायत में विकास करवाना। आइए हम ठाकुरचक पंचायत के उम्मीदवार अनीता देवी के पक्ष में जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उनके साथ महिलाएं भी घूम रही है, पुरुष भी घूम रहे हैं, आइए हम उस महिला से बात करते हैं, एक जनता से। आप कोई जनता को उतारे हुए हैं, किस मकसद से, किस उम्मीद के साथ इस ग्राउंड में उतारे हुए हैं ठाकुरचक पंचायत के लिए? हमारे पंचायत में सभी चीज का कमी है, कुछ भी नहीं सही चल रहा। क्या क्या कमी है आपके पंचायत में जो ला सकती है? कुछ भी, राशन भी सही से नहीं मिल रहा है, बच्चा का जब एगो साइन करवाने आता है तो मुखिया घर में रहता है, बोल देता है डुमरी चल गई। चलिए, दीदी का समस्या थे कि बहुत लड़ा है और जो है अच्छे खासी बात करते हैं। हमारे साथ जो है उनके पति समाज सेवी रमेश जी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी जरा सा संपर्क करते हैं। रमेश जी, आप अपने पत्नी को ग्राउंड में उतारे हुए हैं ठाकुरचक पंचायत के लिए, किस उम्मीद से उतारे हुए हैं? सबसे पहले मैं ठाकुरचक पंचायत के तमाम जनताओं, मतदाताओं को चरणों स्तर से प्रणाम, कृतज्ञ प्रणाम। मेरा मकसद, और लोग मुझे जानते हैं समाज सेवी के नाम से, मेरा नाम रमेश कुमार महतो हुआ, और सारे लोग, तमाम पंचायत के लोग, तमाम समुदाय के लोग, हम लोग जानते हैं कि रमेश कुमार महतो यही है, समाज सेवा के काम में कर रहे हैं। विशेष हम 7 साल से लगातार दिन हो चाहे रात हो, किसी घड़ी जब जब जनता ने मुझे आवाज़ दिया है कि आज हम दुख तकलीफ में नहीं जाना चाहिए, और हम हमेशा जनता के बीच, मतदाताओं के बीच, महिलाओं के बीच, युवा के बीच, हर क्षेत्र में, हर समूह में हमेशा खड़े उतरने का काम किया हूं, और मैं वादा करता हूं कि हम हर समय हर तमाम जनताओं को एवं महिलाओं के बीच में हम रहना चाहते हैं। हम साफ वर्ड में कहना चाहते हैं कि हम मुखिया नहीं, हमारे पंचायत के युवा, हमारे पंचायत के माताओं, बहनों, दीदी, चाची साहब, जेठी साहब हमारा पंचायत के मुखिया होंगे। हम सिर्फ समाज सेवी के रूप में रहना चाहते हैं, हम यही करना चाहते हैं। बार बार मैं सोशल मीडिया में भी आता हूँ, यही मेरा रहता है आदेश, यही मेरा गुहार, यही मेरा रहता है पंचायत के लोगों से कि हम मुखिया नहीं हैं, हमारा सब मुखिया जनता है, तमाम ठाकुरचक पंचायत के जनताओं, माताओं, वही हमारा मुखिया है, वही हमारा मुखिया है। चाहे जितना भी हो, जितना भी हो, हमेशा निष्ठापूर्वक से हम काम करने का कोशिश करूंगा। इतना ही नहीं, हर विभाग चौथे चरण की जो है चुनाव जो है प्रारंभ हो चुका है और सभी उम्मीदवारों को जो है चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया गया है। चुनाव को लेकर जो है सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में जो है जीत के लिए जो है ग्रामीणों और जनता से जो है जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है कि हमारा वोट आए और हम जनता के बीच में जीत कर आए। उसी के साथ जो है हम ठाकुरचक पंचायत के मुखिया जो है अनीता देवी जो हमारे बीच में आई है, आइए हम खास चीज़ बात करते हैं अनीता देवी से। आज दीदी, आप जो बताइए, आप इस ठाकुरचक पंचायत के लिए चुनाव में ग्राउंड में उतरे हुए हैं, किस चुनाव का, किस मकसद से चुनाव में उतरे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं इस मकसद से उतरे हुए कि हमारा जो पंचायत है ठाकुरचक बहुत ही पीछे है, हम लोग शुरू से, आज से हम लोग शुरू से समाज के बीच में है, समाज सेवी के रूप में हम लोग जाने जाते हैं। तो हम बस इतने कहना चाहते हैं कि समाज का विकास होना चाहिए और इस उद्देश्य से हम उतरे हुए हैं समाज के विकास के लिए। अब
चुनाव के पहले जो अभी अब चुनाव में उतरे हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर जो चुनाव में उतरे हुए हैं? चुनाव में उतरे हुए हम इस मुद्दे को, जैसे कि हम लोग का मतलब विकास, हम लोग का मतलब विकास जैसे होता है हम लोग का ठाकुर चक पंचायत का, तो हम लोग का पंचायत भवन है जो बहुत ही गिरा हुआ अवस्था में, अब जाके देख भी सकते हैं। तो हम सोचते कि अभी पंचायत का विकास जहाँ से शुरू होता है वो हम सबसे पहले अपना पंचायत का पंचायत भवन से शुरू करना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद दीदी आप जनता के बीच में किस तरह का व्यवहार रखिएगा, जनता के बीच में किस तरह का जो है आप जनता के बीच में रहने की कोशिश करेंगे? देखिए हम शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बताएं कि हम लोग समाज के लिए हैं, समाज के बीच में रहना चाहते हैं। जो समस्या है जनता को उनके लिए हम हक से लड़ना चाहते हैं, तो बिना पावर के बिना हक के हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, बस उस मुद्दे के लिए हम लोग चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। दीदी आप बताइए कि आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहिएगा? महिलाओं के लिए हम सबसे पहले सोचे हैं कि जो हम लोग समूह द्वारा चलता है तो हम लोग के लिए कम से कम छोटा मोटा जो उद्योग बिजनेस होता है उसके लिए हम लोग सोचे हुए हैं। तो मेरा बिना कुछ निकालेंगे तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य कारण है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपने हमें चुनाव के लिए जयकारा सर है और चुनाव जो है आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिता देवी जिंदाबाद। अनिता देवी जिंदाबाद। से मैं काम करने की कोशिश किया हूं, मैं एक समाज सेवी रहते हुए भी किसी सेक्टर में जाइए, पीएचडी के चल जाइए, अंचल के चल जाइए, प्रखंड के चल जाइए, कल्याण विभाग से चल जाइए, 15 फाइनेंस से चाहिए, 14वीं से चल जाइए, सारा जनता के बीच में धरातल में उतारने का काम किया हूं। जिस क्षेत्र में चल जाइए, एलईडी स्ट्रीट लाइट चल जाइए, सोलर आधारित हो गया, सोलर आधारित जल मीनार का हो गया, पीसीसी रोड हो गया, सारा कुछ सारा विभाग से मैंने मुखिया बनने के पहले, मेरी पत्नी मुखिया बनने के पहले मैं समाज सेवी के रूप में था और समाज सेवी के रूप में रहते हुए ही पूरा धरातल में काम करने का काम किया है और ये झूठ नहीं है। और जनता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितना मेरा लिस्ट बना हुआ है उस लिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ एकदम कायम होगा अभी भी काम। इतना ही करके तमाम जनताओं से अपील मैं करता हूँ कि मुझे एक बार मेरी पत्नी अनिता देवी, उसका चुनाव चिन्ह है सेव छाप क्रमांक संख्या 1 है, इनको भारी से भारी मतों से जितावें और हम हमेशा जनताओं के बीच रहेंगे। जय झारखंड, जय ठाकुर चक पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पंचायत के लिए इतने बड़े सोचे हुए हैं। लाल कार्ड है, चावल